मौसम देखें, आज इतना अच्छा हो रहा है। कल हम बाहर गए, कल इतनी शदीद गर्मी हो रही थी और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ये पता नहीं क्या सीन है कि वर्किंग डे में जो है वो मौसम अच्छा होता है, वीकेंड पे ख़राब मौसम होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज सुबह से मैं, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कॉमेंट शेयर डू एवरीथिंग। और सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5 और आसिम जो है वो आज जल्दी आ गए हैं। 5 या 6 बज रहे हैं, ऐसे कुछ टाइम हो रहा है और आसिम जो है वो जल्दी आ गए हैं घर। तो हमने सोचा हम कुछ जो है वो अपने काम वाइंड अप कर लेते हैं, अभी हमें जाके कुछ पार्सल्स कलेक्ट करने हैं एज़ यूजुअल, और उसके अलावा हमें मिर्हा और आयजल को एक सरप्राइज़ भी देना है। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गो। चलो, ये पता नहीं कौन ट्रॉली उठा के घर पे ले आया सुपरमार्केट से, लूलू की ये ट्रॉली। अभी सबसे पहले हम जाएंगे सेंटर पॉइंट, वहाँ से हम पार्सल्स पिक करेंगे, उसके बाद हम मैक्स जाएंगे और वहाँ से वो टॉय पिक करेंगे जो मेरे हॉराइजल को हमें आज सरप्राइज देना है। और ये सामने सनसेट देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, सनसेट्स आर सो ब्यूटीफुल। अभी हम लोग बस वेट करें, आसिम की चाय फिनिश हो, आसिम की चाय फिनिश होगी उसके बाद अंदर जाएंगे मॉल में। हम लोग मोस्टली जो है वो रात में आ रहे होते हैं, तब अंधेरा होता है तो उस वक्त जो है वो सराउंडिंग्स बिल्कुल डिफरेंट लग रही होती हैं। अभी हम क्योंकि सनलाइट में आए हुए हैं तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है सब कुछ। अभी बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि आसिम ने बहुत ही सारे पार्सल जो है वो ऑर्डर कर दिए हैं, 4 या पता नहीं कितने हैं ना, 5। अब हम वेट कर रहे हैं, अभी हमारा अभी चेकिंग हो रही है और इनकी दुआ थी मैं फिर सही। अच्छा, बच्चे ना हर जगह कोई ना कोई गेम ढूंढ लेते हैं। अभी यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं, वेटिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मेरहा ने अपनी यहाँ पे जो है ना हाइड एंड सीक स्टार्ट कर दी है डैडी के साथ। तो हम आ गए हैं मैक्स पे। यस, योर न्यू फ्रेंड्स। यस, मिर्हा को हर जगह ही न्यू फ्रेंड्स मिल जाते हैं, जहाँ जाती है फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो मिर्हा और आयजल जब भी मैक्स पे आती हैं इनको एक ही टॉय चाहिए होता है, अभी आप खुद देखेंगे कौन सा वाला टॉय उठाती हैं। हर दफा जब हम आते हैं एक ही टॉय उठाती हैं और रखती नहीं है जाने से पहले। तो लेट्स सी, ओप्स, डॉल फेल डाउन, शी इज क्राइंग। Keep this. Do you want something from here? Go pick it up. Pink color? Yes, you also want? You also like this one? You also like? Okay, now we can take it. We have to keep it back. Okay. Okay, keep it back. Why? No.
Awesome, now we have to keep it back. Yeah, let's keep it back. Why no? We have to keep it back, Mira. We have to go. Or to keep this back. Should we keep it back? Let's keep it back. Look. Chalo Mira. Beta, I'm just kaam bhi aaya hu, kaam kar rahe hain. Aise game. Aap hi also game beta. Give me. We have to keep it back. Give me. Isaac, give me. चलिए जी, मैक्स से फ्री हो गए हैं, बस अब ये कैंडीज ले रहे हैं और उसके बाद घर जाएंगे और देंगे सरप्राइज. यस, सरप्राइज ओपन तो घर जाके करना था, लेकिन मिर्हा जो है वो वेट ही नहीं कर रही. मिर्हा, कम दिस साइड. यू वांट सरप्राइज हियर और एट होम? I want in here. You want here? Yes. Are you ready for the surprise? Yes, I'm ready. You're ready for surprise? Yes. See, you also want to see it? Are you happy? Do you like it? मतलब एक्साइटमेंट इतनी है कि उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे और जवाब भी नहीं दे रहे, सुन ही नहीं रहे कि मैं क्या कह रही हूँ. I want to take one picture, लेकिन आइजल को एक मिनट का सुकून नहीं हो रहा. मामा को देखो, मामा. मामा. अब वीडियो है ये. क्योंकि पिक्चर तो हो ही नहीं रही ना. वर्किंग डे में बाहर निकलने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि बच्चे सो जाते हैं और फिर रात में सोने में इतना तंग करते हैं. अभी आपको ये मेरे बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, मेरा सो गई है और आइजल जब हम जा रहे थे मॉल तब सो गई थी और अभी तो खैर उठी गया आइजल और मेरा अभी सो गई है. तो अब इन दोनों ने रात में मुझे इतना तंग करना है, इनको वैसे ही रात में सोना नहीं होता सारे बच्चों की तरह, और अगर शाम में सो जाए तो फिर तो रात में बिल्कुल ही नहीं सोना होता इनको. गॉड ब्लेस मी. आइजल ने गाड़ी का वाइपर खोल दिया, मुझे पता नहीं है कैसे बंद करते हैं. सो वी आर फाइनली होम और आज बहुत लेट हो गए, 8:30 हो गए और आई हैव टू क्विकली फिक्स डिनर. यूजुअली हम लोग टेक अवे कर लेते हैं, लेकिन आज हम लोग जो है वो घर में ही खाना खाएंगे हमने, क्योंकि कल भी बाहर ही खाना खाया था, कल संडे था. सो अभी मैं क्विकली जो है वो कुछ खाना फिक्स कर. सो आई एम डूइंग ग्रिल चिकन और साथ में राइस. वैसे नॉर्मली मैं पेरी पेरी राइस बनाती हूँ, लेकिन आज क्योंकि बच्चों का मैंने सेपरेटली नहीं बनाया, तो आज मैं नॉर्मल जो है वो राइस बनाऊँगी जो साथ नॉर्मली ग्रिल चिकन के होते हैं, और हम लोग उसको सर्व करेंगे. सर्व नहीं करेंगे, हम उसको खाएंगे नैंडोज पेरी पेरी सॉस के साथ. सो आई विल शो यू गाइस. और जी, हमारे सारे खूबसूरत पार्सल्स यहाँ पड़े हैं, अभी मैं वन बाय वन इनको अनपैक करूँगी. यहाँ पे मैंने राइस भिगो दिए हैं और चिकन क्योंकि ऑलरेडी मैरिनेटेड थी तो इसलिए उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा. यहाँ पे मैंने ये शिमला मिर्च और प्याज को चॉप करके रखा हुआ है, उसको मैं ये थोड़े से ऑयल और बटर के साथ फ्राई कर रही हूँ. चिकन को मैंने ऑलरेडी ओवन में डाल दिया है ग्रिल होने के लिए, 10 से 15 मिनट्स में चिकन ग्रिल हो जाएगी. और यहाँ पर मैं राइस और चिकन क्यूब, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश पेपर, ये सब डाल के 1 मिनट के लिए फ्राई कर रही हूँ. फ्राई हो जाएगा, फूड कलर ऐड करूँगी, पानी ऐड करूँगी और इसको प्रेशर कुक करूँगी 10 मिनट्स के लिए. विद इन 10 to 15 मिनट्स राइस भी रेडी होंगे, ग्रिल चिकन भी रेडी होगी और हमारा जो है वो क्विक डिनर रेडी होगा. चिकन मैं ऑलरेडी मैरिनेट करके गई थी. ये जी, हमारे 10 मिनट्स में राइस जो है वो रेडी हो गए और बस मैं अभी इसको जो है वो डिश आउट करती हूँ और हम लोग जल्दी से खाना खाएँगे. चिकन भी रेडी, आई विल जस्ट सर्व इट नाउ.
और जी आ गई मेरी प्लेट ग्रिल चिकन राइस एंड नैंडोस पेरी पेरी सॉस। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन।